हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट तो उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे क्या बात करना चाहते हैं, कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। हम इस वक्त देखते हैं कि आप अपने पार्टनर से क्या बात करना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, ठीक है। अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट हो जाती है तो फिर आपके पार्टनर का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या निकल के आता है। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर से क्या बात करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के मन में क्या है, हमें मैसेजेस दें। देखते हैं क्या निकल के आता है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। जैसे कि आपको पता है आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो आपके पार्टनर के बिना। बहुत ज़्यादा रोते रहते हो, रात रात भर जागते रहते हो, परेशान रहते हो, जो कि आप यही उनको बताना चाहते हो कि आप इनके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। आपको लगता है कि जैसे आपको फील होता है वैसे आपके पार्टनर को फील नहीं होता है, सिर्फ आप ही को इनकी याद आती है, आप ही इनके लिए तरसते रहते हो, रोते रहते हो, और आपके पार्टनर तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। आपको कोई भी, आपको आपके पार्टनर से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। आई कैन फील यूर डिज़ायर फॉर मी। आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर आपको कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, लेकिन इस रिश्ते में जो भी डिस्टेंस आया है, इस डिस्टेंस ने आपको जैसे कि सोचने पे मजबूर कर दिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इतना फील हो रहा है ये पर्सन, ये कितना मुझे याद करता है, और अगर मुझे इतना याद करता है, मुझसे इतना प्यार करता है, तो फिर ये मुझसे बात क्यों नहीं करता। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। डेफिनेटली आप अपने दोस्तों से आपके पार्टनर के बारे में बातें करते ही रहते हो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आप इनको जैसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हो। आई नो यू आर द वन फॉर मी। आप, ये आपके लिए परफेक्ट है, इनके अलावा कभी ज़िंदगी में आपको कोई और पसंद नहीं आ सकता। इस बात को तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रख दिया है। आई कैप द टेक्स्ट। आप दोनों की पहले वाली जो भी चैटिंग थी, उस चैटिंग को आप पढ़ते रहते हो, कुछ टेक्स्ट मैसेज इन्होंने आपको करके रखे, उनको रीड करते रहते हो। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। आप अपना प्यार कभी भी इनसे हाइड नहीं करके रख सकते। हो सकता है कि आप ना, इन्होंने आपको ब्लॉक भी करके रखा है ना, फिर भी ना कहीं से ट्राई करते ही रहते हो इनसे बात करने का, इनको स्टॉक करते रहते हो, जो कि आपको कंट्रोल ही नहीं होता है। मतलब कि अपने दिल की बात ना आप अपने दिल में हाइड करके रख ही नहीं सकते। योर सेक्सी बॉडी हैज़ बी ड्रॉलिंग। आपको इनसे सेक्स करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फिजिकल रिलेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने, आप दोनों को एक दूसरे का अट्रैक्शन ड्रू है, ठीक है। आपके पार्टनर भी यही फील करते हैं हमेशा आपके लिए, पर आपको करंट में इनको लेके बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये आपकी फीलिंग्स हो गई। हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर। आप डरो मत। आपको बता रहे कि अगर आपको डर लग रहा है इस रिश्ते का टूटने का हमेशा के लिए, तो ये बोल रहे कि नहीं आप डरो मत, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। देखा मैंने बोला ना, आप दोनों की फीलिंग्स सेम हैं, या आपको लेके बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना सोचते हैं रात रात भर आपको, जैसे कि फील करते हैं फिजिकली। आपकी सेक्सी बॉडी भी इनको बहुत ज़्यादा याद आती रहती है, आप दोनों के सेक्सुअल मोमेंट, आप जो टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जितना खुश करते थे, सारी बातें बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं। इसलिए डरो मत, ये रिश्ता अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आई हीड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने करंट में आपको नहीं बताना ही, इनको लगता है कि अभी नहीं बताना चाहिए, इन्होंने छुपा के रखा है सब कुछ, ठीक है। आई हैव, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। जो बातें इन्होंने आपसे छुपा के रखी थी और आपको पता ही नहीं है, और उनको बिना जाने आपने इनको जो कुछ बोला है ना, इनसे इनको बहुत तकलीफ हुई है, ये आपको ये बताना चाहते हैं। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। जैसे कि आप जब दोनों एक साथ होते हो, जो आप मज़े करते हो, इनको खुश करते हो, इनके चेहरे पे स्माइल लाते हो, ये बातें इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो बहुत प्यार करते हैं आपके उन्हीं हरकतों से, आपकी फ्लर्टिंग एनर्जी से बहुत प्यार करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये शायद आपकी तरफ से किसी मोमेंट का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
तो यस, यही आप दोनों की एक दूसरे के लिए इस वक्त की फीलिंग्स। अगर रीडिंग रेजोनेट वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।